पाकिस्तान में महंगाई के पेश नजर करतारपुर आने वाले सिख यात्री टमाटर भारत से खरीद लाए। सिख यात्रियों का कहना है कि भारत में टमाटर 20 रुपए किलो जबकि पाकिस्तान में कीमत 400 तक पहुंच चुकी है। जग तो चाहत लेके यात्रियों थे आए, जिथे मिट्टी पानी हवा विच प्यार दरंग बसदा। भारत में जब 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं तो हम 400 रुपए किलो क्यों खरीदें? ये कहना है उन सिख यात्रियों का जो मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए करतारपुर राहदारी से पाकिस्तान आए हैं। भारत से आए सिख यात्री पाकिस्तान में टमाटरों की बढ़ती कीमतों के पेश नजर टमाटर लेकर आए जिन्हें लंगर में इस्तेमाल किया गया। 400 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, असीं चलो बाबा जी के दर्शन वास्ते बाबा जी के चरणों में हाजिर हुए हुए हैं, सानू तुहाडी तकलीफ करके ही असीं इन्ने टमाटर लेके आए हैं, साडे भरा जिहड़े आ सौखे हो जाण, सौखे सस्ते। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के लंगर में अब मशरकी पंजाब से आए टमाटर इस्तेमाल होंगे। सिख यात्रियों का कहना था कि टमाटर बेचने के लिए नहीं बल्कि लंगर में हिस्सा डालने के लिए लाए हैं। यात्री अदरक, सब्ज मिर्च, लहसुन और प्याज भी लाए थे। आने वालों का कहना था कि इनके लाए हुए टमाटर संगतों को मजेदार खानों की फराहमी का जरिया बन रहे हैं। हम दुनिया भर से बाबा गुरु नानक के लिए तहाइफ लाते हैं। कनाडा से आए एक यात्री ने कहा कि पाकिस्तान में गुरुद्वारों की मिसाली देखभाल की जाती है। मलेशिया से आए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी बनाकर मोहब्बत का पैगाम दिया। सरदार सरशीन सिंह ने कहा कि करतारपुर राहदारी से दोनों ममालिक में मुस्बत ताल्लुकात फरोग पाएंगे। मलेशिया, कनाडा, फ्रांस, इटली और भारत से आए सिख यात्रियों ने करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ।